जब मैं लिख रहा हूं, अगर मुझे कोई लिखता हुआ दिख गया ना तो तुम देखो ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसफॉर्मर्स जानते हो क्या होता है? Yes. कौन बताएगा? अरे यार इज्जत से तमीज से हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा? बोल मत देना तुमने बचपन से लेकर ट्रांसफॉर्मर नहीं देखा। अच्छा प्लीज आई वांट टू सी, किसने ट्रांसफॉर्मर नहीं देखा? तो क्या होता है? अरे हाथ खड़ा करो, किसको पता है? तुम्हें ट्रांसफॉर्मर नहीं पता? साले गांव से आए हो क्या एकदम? गणेश को बुलाऊं ना अभी, वो बता देगा तुमसे अच्छा। तुम क्या सड़क पे रहते हो? अरे क्या होता है ट्रांसफॉर्मर, सुना है तुमने कभी? क्या होता है, क्या करता है? ले जाता है, टूट जाता है, वोल्टेज कम जाता है। ट्रांसफॉर्मर किसी को दर्शना भूमि हमजा करना ही क्यों है? ताकि एनर्जी वेस्ट ना हो, लॉन्ग डिस्टेंस। वेरी नाइस, फैंटास्टिक। एक्चुअली होता क्या है, आप ऐसे समझो जैसे अपने को एनर्जी भेजनी है पुणे से बॉम्बे, फॉर एग्जांपल। खैर ये तो मेट्रो सिटीज हो गई, आप समझो पुणे में अपना एक मेजर बड़ा स्टेशन है और एक सब स्टेशन लगा हुआ है किसी गांव में, है ना? और अपने को पुणे से वहां पे एनर्जी पहुंचानी है। तो एनर्जी पहुंचानी है मतलब आपके पास मेथड है वी इंटू आई या आई स्क्वायर आर। कौन सा मेथड है? आई स्क्वायर आर, बेसिकली वी इंटू आई। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एक मेरी बात सुन, पावर इज वी। बहुत बढ़िया सर, जैसे ही मुझे पता चला वी आई, मैंने कहा यार तार लगाओ बढ़िया और उसमें करंट दौड़ाओ, ये बड़ा बड़ा 1000 एम्पियर 2000 एम्पियर। बट जैसे ही आपने करंट की वैल्यू बढ़ाई, आपका हीट जनरेशन बढ़ गया। आई स्क्वायर आर, यस और नो? अरे आई स्क्वायर आर टी की याद है कहानी? आपका हीट जनरेशन बढ़ गया। तो अगर हीट जनरेशन बढ़ गया मतलब एक टाइम ऐसा आ गया तुम्हारी तार मेल्ट हो गए, इतना बड़ा करंट, इतना बड़ा हीट जनरेशन देगा, वो मेल्ट हो गए। अब एनर्जी कैसे ट्रांसफर करें? तो हमने बोला आपको बेसिकली पावर ट्रांसफर करना है, तो आप करंट को बढ़ाने के बजाय क्या बढ़ाओ? बात समझ गई? मतलब ऐसा समझो जैसे यहां पे है 220 वोल्ट और मुझे ना बॉम्बे में भेजना है 220 वोल्ट, तो पहले तो यहां पे मैंने एक लगाया है ट्रांसफॉर्मर जो 220 वोल्ट को कर देगा 2000 वोल्ट। उसे बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। फिर वो 2000 वोल्ट ट्रांसफर होगा कहां पे? बॉम्बे। वहां पे एक ट्रांसफार्मर होगा जो 2000 वोल्ट को कितना कर देगा? 220 वोल्ट डोमेस्टिक यूज के लिए। उसे बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कुछ बात समझ आ रही है? बेसिकली ट्रांसफार्मर करता क्या है, वोल्टेज को ऊपर नीचे करता है टू ट्रांसफर इट ऑन अ लॉन्ग डिस्टेंस। बात समझ आई? अच्छा करंट को हम क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्या बात समझ में आई? हीट जनरेशन बहुत होगा। अच्छा मैं आपको और कुछ भी बातें बताता हूं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर होता है ना, ये कहानी करता है। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तुमने सिटीज के बीच में वायर जो लगी होती है ऐसे ट्रायंगुलर पोल्स पे, उनपे कभी देखना है ऐसे बोर्ड लगा होता है डेंजर, उस डेंजर पे ये कभी नहीं लिखा होता 1000 एम्पियर, उसपे लिखा होता है डेंजर 2000 वोल्ट्स। दोबारा कभी देखो ना इसको अच्छे से रीड करना, उसपे हमेशा वो दे आर हाई वोल्टेज लाइन्स, दे आर नॉट कैरिंग हाई करेंट, दे आर हाई वोल्टेज लाइन्स। कुछ बात समझ आ रही है? अरे पक्का ऐसी कुछ खाने और भी अपनी ऐसे लोकल रेगुलेशन, जैसे ऐसा सोचो आप मगरपट्टा सिटी है, मगरपट्टा सिटी पता है तुमको? अच्छा मगरपट्टा सिटी, तो जैसे ऐसा समझो कि कोई बिल्डर आया, उसने बोला साहब मुझे सिटी बनानी है। अच्छा सिटी बनानी है तो उसने, उसको भैया सिटी बनाने के लिए एनर्जी भी चाहिए बहुत ज्यादा। अरे एनर्जी चाहिए, बात समझ आई? तो गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस होती है, एग्जैक्टली मुझे गाइडलाइंस पता नहीं, बट वो कुछ ऐसा सेट होता है कि भाई इतने बड़े स्क्वायर फीट का अगर आप कोई सोसाइटी बना रहे हो, 10,000 स्क्वायर फीट या 8,000 स्क्वायर फीट, बड़े बड़े सोसाइटीज में भी तुम्हें देखेगा, इतने बड़े स्क्वायर फीट का अगर आप कोई सोसाइटी या कोई लैंड या कोई एरिया सिटी कुछ बना रहे हो, तो यू शुड हैव योर ओन ट्रांसफॉर्मर। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बेसिकली वोल्टेज अप करके आपको भेज देती है, फिर आपके सिटी का या आपके सोसाइटी का जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो वोल्टेज डाउन करके उस सिटी में सप्लाई करता है।
बात समझ आई? जो तुमने बड़े बड़े सोसाइटीज में अगर आप में से कोई रहता है तो आपने शायद, मतलब अगर बड़े बड़े सोसाइटीज में रहते हो आप, देखोगे नीचे गेट के बगल में थोड़ा जाओगे तो ग्रीन कलर का एक बहुत बड़ा सा सेटअप लगा होता है, है ना, वो सेटअप लगा होता है, दे आर समथिंग कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मर्स। मगरमट्टा सिटी के तो एंट्रेंस पे एकदम लगा है बहुत बड़ा सा ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर देखा है कभी ऐसे बाहर, ऐसे एक बहुत बड़े एरिया में अंदर बहुत सारी वायर्स होती हैं ऐसे, और कुछ स्प्रिंग टाइप सिस्टम्स होते हैं ट्रांसफॉर्मर्स, गूगल करना तुम्हें इमेज दिखेगी, आते जाते तो वो सड़कों पे भी दिखेगा बहुत ज्यादा, तो बड़ी बड़ी सोसाइटीज में चले जाओगे तो आपको वहां सोसाइटीज में भी दिखेगा ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो पहले ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, बात समझ में आएगी? अरे पक्का? अरे 100%। आप सुनो, ट्रांसफॉर्मर, अच्छा बहुत बढ़िया। सो मान लो ये अपना कौन सा वोल्टेज है, सॉरी कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर समझ में आए? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, बात समझ आई? सो बेसिकली हुआ क्या, सबस्टेशन ने जो एनर्जी भेजी, ट्रांसफॉर्मर ने क्या किया, उस वोल्टेज को बढ़ाया। Yes, ऐसा समझो ये अपना स्टेपर ट्रांसफॉर्मर और ये है अपना स्टेप डाउन, ये वोल्टेज को कम करेगा फॉर डोमेस्टिक यूज। ठीक है, और ये बीच में ट्रांसफर हो रहा है। पहले तो बात समझे, अरे पक्की बात, सिमोन, ट्रांसमिशन साइड पे जो कॉइल होती है, एक्चुअली ये ट्रांसफर कैसे होता है वो मैं आपको बताऊं, ये फ्लक्स ट्रांसफर होता है। क्या ट्रांसफर होता है, होता क्या है, ये जो कॉइल्स हैं, जब आप यहां पे करंट को चेंज कर रहे हो तो इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, अरे हो रहा है, नहीं हो रहा, ये फ्लक्स रियलिटी में ट्रांसफर होता है, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताता हूं, देख जो ट्रांसमिशन साइड है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल। लेट अस से देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी साइड, ठीक है, मतलब इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है। रिसीवर साइड पे वी कॉल इट एज अ सेकेंडरी कॉइल या सेकेंडरी लूप। Let us say there are n number of turns on secondary loop. ठीक है, अरे ठीक है, आप सुनो। अच्छा EMF हमने पढ़ा था क्या, माइनस डी फाइव बाय याद है फॉर्मूला, इंड्यूस्ड EMF। अच्छा बहुत बढ़िया साहब, देखना क्या लिखा गया, EMF on primary side, EMF on primary side is change of total flux on primary side by dt. बात समझे, EMF on primary side is change of total flux on primary side by dt. EMF on secondary side
is change of total flux on secondary side by, ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया सर, ईएमएफ ऑन प्राइमरी साइड नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी साइड इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन वन लूप, यस और, ठीक है, मतलब टोटल फ्लक्स को मैंने क्या किया, एक फ्लक्स, एक लूप का फ्लक्स इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, सेम चीज मैंने यहां पर ली, ईएमएफ ऑन सेकेंडरी साइड नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी साइड इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एक लूप का, ठीक है, ये फ्लक्स कितने लूप का है, एक लूप का, सिमिलरली ये फ्लक्स एक लूप का, ये जो फ्लक्स होता है ये फ्लक्स कंप्लीट ट्रांसफर होता है, अब इसमें भी लॉसेस होते हैं, पूरा फ्लक्स ट्रांसफर नहीं हो जाता, लॉसेस होते हैं, बट लॉसेस को मिनिमम मान लो, ठीक है, विल से कि लॉसेस बहुत मिनिमम है, तो होता क्या है, यहां पे जो ईएमएफ आता है, ध्यान सुनो, यहां पे जो ईएमएफ आता है ये, उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से ये फ्लक्स जनरेट होता है, ये d5 by dt यहां से पूरा इधर ट्रांसफर हो जाता है, और फिर यहां सेकेंडरी कॉइल से मल्टीप्लाई करके यहां ईएमएफ जनरेट हो जाता है जो आप कंज्यूमर को देते हैं, सो ये d5 by dt, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, बेसिकली फ्लक्स, ये पूरा का पूरा फ्लक्स ट्रांसफर होता है, कुछ ऐसी कहानी चलती है ट्रांसफॉर्मर्स में, ठीक है, फेयर इनफ, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर d5 by dt कट जाएगा, अगर मैं ऐसा मान रहा हूं कि पूरा का पूरा फ्लक्स ट्रांसफर हो रहा है, सो आपके पास फॉर्मूला क्या आया, ईएमएफ ऑन प्राइमरी साइड अपॉन ईएमएफ ऑन सेकेंडरी साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑन अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑन बोलो कोई डाउट पक्का, अरे 100% अरे ठीक है, इस फॉर्मूले पे भर भर के डायरेक्ट क्वेश्चन, सिर्फ इस फॉर्मूले में, ये एक ही फॉर्मूला है तुम्हारे ट्रांसफॉर्मर में, और भर भर के डायरेक्ट क्वेश्चन, बच्चों को एग्जाम में जो मैंने फीडबैक से सुना है उनको ये नहीं याद आता कि डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में क्या लेना है, तो याद रखना पी के पास पी, एस के पास एस, बात समझ गई, दूसरी चीज लॉजिकल थियोरेटिकल क्वेश्चन पे बात करो, लॉजिक एकदम एकदम ढंग का लॉजिक अप्लाई करना इसी फॉर्मूले पे, मैं आपसे पूछूं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में, ध्यान सुनो, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में, किस ट्रांसफॉर्मर में नंबर ऑफ टर्न्स कम होने चाहिए, किस ट्रांसफॉर्मर में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने चाहिए, पहले तो यहां पर आपको जो ईएमएफ चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए या कम, बात समझ आती है, किस ट्रांसफॉर्मर में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होने चाहिए, किस में नंबर ऑफ टर्न्स कम होने चाहिए, बोलो बोलो बोलो, बात समझ आ रही है, अरे पक्का लिख लो, अच्छा एक सवाल और है, ट्रांसफॉर्मर डीसी वोल्टेज पे काम करेगा क्या, डायरेक्ट वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म भेज सकते हो क्या, हाँ ट्रांसफॉर्मर डीसी वोल्टेज पे काम नहीं, क्यों, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, अरे डीसी वोल्टेज में फ्लक्स चेंज होना पॉसिबल,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे टेस्ट बोला है मैंने, जेई नीट में भी बोला है ना सैटरडे को, ग्रुप पे मैसेज आया, तुम्हारा भी आया। Yes, सब लोग कभी कभी अदिति डालो, अदिति की पार्टी टीम है ना, इसका बर्थडे था ना। ओ मैडम आई ऑर्डर इट, वो कैसे ऑर्डर करोगे जैसे आज तक से मॉन कर रही है। अरे मैं तो बोलूंगा एक ना कैमरा चल रहा। Can I raise this? Yes, sir. Oza, can I pee too much? मैंने आपको बताया था एलसी सर्किट बहुत अनरियलिस्टिक सर्किट है, उसका रीजन आज देखते हैं। मान लो अपने पास एक एलसी सर्किट है, कैपेसिटेंस सी जो क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट पे चार्ज है, बोलो कोई डाउट? कैपेसिटेंस सी जो क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट पे, ठीक है, इसको कनेक्ट किया हमने इंडक्टर से, एल एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले तो क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा, वो तो मुझे भी पता है। एट टी इक्वल टू जीरो इंडक्टर को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? अरे यार, एट टी इक्वल टू जीरो इंडक्टर को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? अरे ओपन वायर क्लोज वायर, बात समझ आ रही है? मतलब एट टी इक्वल जीरो जैसे कि आप इसको बंद करोगे इस सर्किट में करंट, उसके बाद धीरे धीरे कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग, अरे बट रेजिस्टेंस कहाँ है? धीरे धीरे कैपेसिटर में स्टार्ट डिस्चार्जिंग। अच्छा, इस इंडक्टर ने क्या किया? ऐसे सोचो कि जैसे आपने सर्किट बंद किया
करंट आना चाह रहा है, बट इंडक्टर में सारा करंट रोक लिया, उसने बोला करंट बहो लेकिन धीरे धीरे। तो इसके बाद सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि क्यू एम माइनस क्यू, इस पे चार्ज कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? क्या यार लिख लेना ना, क्यों मरे जा रहे हो? कैपेसिटर पे चार्ज कम हो रहा है, अरे कैपेसिटर पे चार्ज कम हो रहा है बिकॉज कैपेसिटर इज, अच्छा करंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? अरे बढ़ रहा है, कम हो रहा है? अरे इंडक्टर क्या करता है? बहु लेकिन धीरे धीरे। तो जैसे जैसे इसका चार्ज कम होगा वैसे वैसे अमाउंट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट विल इंक्रीज। एक पर्टिकुलर ऐसा टाइम आएगा जब कैपेसिटर पे कितना चार्ज हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा, जीरो। उस पर्टिकुलर केस में सर्किट में करंट क्या मैक्सिमम होगा? आई मैक्स। बात समझे? अच्छा सर्किट में अगर मैक्सिमम करंट है और कैपेसिटर डिस्चार्ज है, इसका मतलब अब क्या शुरू होगी? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ध्यान से कैपेसिटर बढ़ना है, एल। अब क्या सर्किट में करंट धीरे धीरे कम होगा? एंड दिस प्लेट विल गेट पॉजिटिवली चार्ज, दिस विल गेट नेगेटिवली चार्ज, और चार्ज धीरे धीरे। बात समझे? इसके बाद क्या होगा? एक ऐसा टाइम आएगा जब कैपेसिटर विल बी फुल्ली चार्ज, माइनस क्यू नॉट एंड क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज विद ऑपोजिट पोलैरिटी। सही बात है। इस पर्टिकुलर केस में करंट कितना हो जाएगा? जीरो। अरे सही बात है। अब करंट कैसे फ्लो होना स्टार्ट होगा? माइनस क्यू क्यू, चार्ज धीरे धीरे कम हो रहा है एंड करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। अरे पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है ना, पहले पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा था, अब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, फिर एक टाइम आएगा जब कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो जाएगा? इस सर्किट में करंट कितना होगा? मैक्सिमम। उसके बाद फिर से क्या अब करंट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग, क्यू माइनस क्यू, चार्ज विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, और उसके बाद क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट एल जीरो। इस सिचुएशन में तो ये कहानी विल कीप ऑन मूविंग, इसे बोलते हैं एलसी ऑसिलेशंस। इसलिए सर्किट अनरियलिस्टिक। इसे क्या बोलते हैं? एलसी ऑसिलेशंस। क्या बोलते हैं? कोई बात समझ आई? अरे पक्का। अच्छा टाइम, चलो अगर मैं आपको बोलूं इस पूरे एलसी ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड है टी, तो T by 2 कौन सा डायग्राम? लॉजिक पे बात करो एकदम। अगर पूरे LC ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है T, तो T by 2 कौन सा डायग्राम है? वन से लेके कितने डायग्राम है? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ डायग्राम। T by 2 कौन सा डायग्राम है? अगर यहां से वहां तक टाइम पीरियड है T, एक पूरे कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना है? टी। तो आधे टाइम पीरियड का डायग्राम कौन सा है? कौन सा है? क्या टी बाय टू है? अरे पक्का। टी बाय फोर कौन सा है? अरे टी बाय फोर कौन सा है? थ्री टी बाय फोर कौन सा है?
SHM याद आ रहा है कुछ? अरे याद आ रहा है, पहले बढ़ना घटना शुरू हुआ, जीरो हो गया, फिर ऑपोजिट पोलैरिटी में बढ़ना शुरू हुआ ये, फिर यहां से घटना शुरू हुआ, जीरो हो गया, फिर सेम पोलैरिटी बढ़ना शुरू हुआ इनिशियल कंडीशन। कुछ बात समझे? इसे क्या बोलते हैं? एलसी ऑसिलेशन। अच्छा, एलसी ऑसिलेशन बेसिकली हो क्या रहा है? अगर तुम लॉजिकली सोचो, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में होती है? स्टार्च, इलेक्ट्रिक फील्ड, किस फॉर्म में होती है? ये कन्वर्ट किस में हो रही है? इंडक्टर के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में होती है? ये होती है कहानी। अगर किसी भी टाइम टी पे और मैं ऐसा मान लू कि जीरो एनर्जी लॉस हो रहा है, तो कैपेसिटर की जो एनर्जी है क्यू स्क्वायर बाई टू सी, दैट इज इंडक्टर की एनर्जी, हाफ एल आई स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस पे डिटेल आउट नहीं होते, बट कुछ ऐसी कहानी। किसी भी टाइम टी पे जो कैपेसिटर पे एनर्जी है वो कितनी है? इंडक्टर की एनर्जी के बराबर। अरे सही बात है, ठीक है। अच्छा, और किसी भी टाइम टी पे, सपोज यही की बात कर लो, अगर कभी किसी भी टाइम टी पे आप कंपेयर करो, तो जितना वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस है, क्या उतना ही वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस है? इसका मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्यू बाय सी इज एल डी आई बाय डी टी। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है क्यू बाय सी, और इंडक्टर के अक्रॉस होता है एल डी आई बाय डी। कुछ याद है काम? इसे बोलते हैं एलसी ऑसिलेटर। इसलिए एलसी सर्किट बहुत ज्यादा रियलिस्टिक नहीं है। जब मैंने आपको बोला था क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी का, उसका रीजन ये है, अगर क्वेश्चन बनता है तो बनता है एलसी ऑसिलेशन से, एलसी सर्किट से नहीं। अब इस यहां से थ्योरेटिकल बनने के चांसेस ज्यादा है, न्यूमेरिकल तो ठीक है, मतलब नीट में भी थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा एलसी ऑसिलेशन। कुछ बात समझ में आई? बात समझ आई?